सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कांवड़ यात्रा हर प्रदेश में निकलती है और हर प्रदेश के लोग इसमें भाग लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कासगंज के एक ऐसे गांव के बारे में जो हिंदू और मुसलमान एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग मिलकर भगवान महादेव की कांवड़ यात्रा को संपन्न करते हैं। कांवड़ यात्रा के लिए हफ्तों पहले कांवड़ियों के द्वारा तैयारियां शुरू की जाती हैं, लेकिन वहीं कासगंज के गांव में मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ यात्रा की तैयारी कई महीनों पहले शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि यहां पर मुस्लिम समाज के द्वारा बनाई गई कांच की शीशियों में कांवड़िये गंगा का जल भरकर लाते हैं और महादेव का अभिषेक करते हैं। दरअसल सोरो विकास खंड कादरवाड़ी में सावन के महीने में एक प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसमें व्यापार करने वाले लोग मुस्लिम समाज के होते हैं और खरीदारी हिंदुओं के द्वारा की जाती है। जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है, यहाँ का मुस्लिम समाज गंगा जली बनाता है। इस गंगा जली को कांवड़ में रख कर ले जाया जाता है, जिसमें कांवड़ यात्री जल भर कर लाते हैं। मुस्लिम मजहब के लोग बताते हैं कि सैकड़ों वर्षों से गांव में गंगा जल भरने के लिए कांच की शीशी तैयार होती रही है। ये देश में कहीं नहीं तैयार की जाती। कांवड़ मेले में मुस्लिम समाज के कई परिवार कांच की शीशी तैयार कर एक वर्ष तक अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। गंगा मैया सभी का बेड़ा पार करती हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण चलता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती।